पानीपत में नहर में नहाते वक्त डूबे व्यक्ति का शव जो है आज गांव लोहारी के पास से बरामद हुआ है। पानी में शव आया देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और उसकी पहचान करवाई गई है। इसके बाद उसके परिजनों को मौके पर बुलाया गया। शव को मौके से सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका पंचनामा भरवाकर शवगृह में रखवा दिया गया है। फिलहाल जो है इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। परिजनों का क्या कुछ कहना है, कैसे वो नहाते वक्त नहर में डूब गया, परिजनों ने क्या कुछ बताया है, वो आपको सुनवाते हैं। संडे के दिन छुट्टी थी, दोस्तों के साथ में गए थे नहर पर नहाने के लिए। नहाते समय पानी में डूब के जो है लापता हो गए। ज्यादा 3 दिन बाद मिली उनकी। आज लेके आए हैं, मर्सरी में है पोस्टमार्टम के लिए। बॉडी मिली लाहौरी के बीच में जी। हम 3 दोस्त थे, तो हम नहर पे नहाने जाने के लिए ऐसे ही हमने गए थे नहाने का। सही है हमारा ही नहीं था, हम जितना भी नहीं आता है। वो नहाने लग गए जी, मैंने उसको समझाया भी नहीं, पानी ज़्यादा आते नहीं थी। तो कपड़े निकाल के कच्चे कच्चे में कूद गया जी। तो कूद गया तो हमने कोशिश करी, तेरा नाम कभी नहीं आता कभी, लेकिन बचा नहीं है। तो हमने 112 पे कॉल करी जी, मौके पर पुलिस तो आई, लेकिन फिर हमको थाने में लेके गए। लेके गए तो फिर वो बोले भी अपने इसको ढूंढ लो, वो ढूंढ इसको ढूंढोगे तो बच जाएगा तुम। तो फिर 3-4 दिन से ही हम इसको ढूंढ रहे हैं, अकेले परेशान हैं हम। फिर कल हमारे गए वहाँ लोहारी गाँव से इसकी लाश मिल गया थी बस यही। फिर आज इसको पोस्टमार्टम के लिए हम लाश लेने आए थे। ये संडे वाले दिन ना मैर में मान गए इधर नाते नाते वैसे वो मतलब पर आई नहीं। वो फिर 3 दिन से लापता थे, उनकी मतलब रिपोर्ट भी लिखवाई थी टाइम 112 पे कॉल किया था। फिर वो आए उन्होंने अपनी कार्रवाई करी और वो 3 दिन बाद मिले लोहारी गांव ऑफिसर रोड। लोहारी गांव से ऑफिसर रोड है वहाँ बीच में मिले उनको। आप कौन है? मैं कंपनी में काम करता हूँ, सुपरवाइजर हूँ। आप कौन से काम करते हैं? नहीं वो मतलब उस कंपनी में काम करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान राम नरेश, जिसकी उम्र 35 साल के रूप में बताई जा रही है। वो मूल रूप से यूपी के सुल्तानपुर जिले के माधोपुर क्षेत्र का रहने वाला था और हाल ही में वो पानीपत के गांव सोदापुर में रहता था और सोमवार को अपने अन्य दोस्तों के साथ नहर किनारे बैठकर पार्टी कर रहा था। उसने नहाने की इच्छा जताते हुए नहर में उतर गया और इसी बीच वो अनियंत्रित हो गया और पानी में डूब गया। पानी में डूबने के बाद उसके दोस्तों ने उसे बचाने के लिए कुछ लोगों का साथ भी लिया, लेकिन वो हाथ नहीं आ सका। इसके बाद वो डूबकर पानी में काफ़ी आगे चला जा चुका था और उसके बाद जो है अब जो है शव गांव लोहारी से ओसर रोड के बीच नहर से बरामद हुआ है। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिलहाल जो है शव को पानीपत के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है और इस मामले की पुलिस आगामी जो है जांच में जुट गई है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।